हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन फूडीज़ फॉर हेल्थ। सो इस वीडियो में आज हम बनाने वाले हैं केसर पिस्ता कुल्फ़ी, जो कि एक बहुत ही ट्रेंडिंग रेसिपी है, क्योंकि गर्मियों का समय है और हर किसी को कुल्फ़ी खाना बहुत पसंद आता है, लेकिन बाज़ार में ये बहुत ही कॉस्टली होती है। तो आज हम इसको घर में ही बनाएंगे और बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कटोरी ली है और उसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 कप दूध, जिसमें हम ऐड करेंगे लगभग 7 से 8 केसर के धागे, और इसको आप फिर 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि तब तक केसर अच्छे से अपना रंग भी छोड़ दे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मिक्सी का जार और उसमें मैं ऐड करूँगी सबसे पहले कंडेंस मिल्क। तो कंडेंस मिल्क यहाँ मैंने लिया है लगभग 1/4 कप। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हैवी व्हिप्ड क्रीम, और ये भी आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। ये भी मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ लगभग 1/4 कप। उसके बाद जो हमने पहले केसर का दूध तैयार करके रखा था उसको भी इसमें हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है 4 से 5 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। फिर हमारा आएगा सेकेंड मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है पिस्ता। यहाँ मैंने लिए हैं लगभग 2 बड़े चम्मच पिस्ता, और फिर हमें यहाँ लेना है 1/4 कप प्लेन दूध। इन सब को अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे मिक्सी में लगभग 40 से 50 सेकेंड के लिए। इसको ब्लेंड करने के बाद आपके पास जो भी कंटेनर है आइसक्रीम फ्रीज करने के लिए, आप वो ले लें। यहाँ मेरे पास है पॉप्सिकल स्टैंड, तो यहाँ मैंने हर सांचे में इस तरह से थोड़ा थोड़ा आइसक्रीम का मिक्सचर इस तरह से डाल दिया है। इसके बाद मैंने लिया है सिल्वर फॉइल रैप ताकि मैं इसको अच्छे से कवर कर सकूँ। तो यहाँ इस तरह से मैं इसको रैप कर देती हूँ। कवर करने के बाद आपको इसमें लगाने हैं कट चाकू की हेल्प से। तो इस तरह से हर सांचे के सेंटर में मैंने लगाया है एक छोटा सा कट। इन कट को लगाने के बाद हमें यहाँ ऐड करनी है आइसक्रीम की स्टिक। तो इन्हीं कट्स की हेल्प से मैं ये आइसक्रीम स्टिक भी लगा रही हूँ। तो इस तरह से ये आइसक्रीम स्टैंड पूरी तरह रेडी है, जिसे अब हम रखेंगे फ्रिज में लगभग 4 से 5 घंटे के लिए, और 4 से 5 घंटे बाद हमारी कुल्फ़ी पूरी तरह रेडी हो जाएगी। तो 4 से 5 घंटे हो गए हैं, तो मैंने कुल्फ़ी को कुल्फ़ी स्टैंड में से निकाल लिया था, और ये देखिए कितनी मज़ेदार, कितनी यम्मी तैयार हुई है। यकीन मानिए जितना देखने में ये सुंदर और यम्मी है, उतनी ही ये खाने में भी थी। सो आई होप नेक्स्ट टाइम जब भी आप कुल्फ़ी बनाने का सोचेंगे आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। सो आई होप आपने ये रेसिपी बहुत इन्जॉय की होगी। तो ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। एंड फॉर नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड